हमारे पास एक 4 साल का लड़का है, गली में उसकी माँ बीमारी के कारण गुजर गई थी। 3 दिन तक उसको पता ही नहीं था। भूख के कारण रोते हुए अपनी माँ को वो जगा रहा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कूड़े कचरे के पास बैठ के वहाँ पे कुछ खाना खाते हैं। इन बच्चों को अगर हम देखें तो हमें रोना आता है। पिछले 17 साल से हम इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 102 बच्चे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिंदगी में पहली बार पेट भर के खाना खा रहे हैं। वो सामने खाना देखता है तो उसके चेहरे पे एक अलग खुशी छलकती है। अगर ये गली में होते शायद वो क्रिमिनल बन जाते। हम इनको यहाँ पे लेके आते, मैं और विनया इनको पढ़ाते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, स्किल एजुकेशन देते हैं। हम उनके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। इनको पहली बार बचपना महसूस होता है। यहाँ मैं और विनया इनके लिए माँ बाप हैं और इनके चेहरे पे जो आनंद और सुकून मिलता है यही हमारी खुशी है। इतने सारे बच्चों को रोज का खाना देना, टेक केयर करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत खर्चा होता है। जहाँ पे हम रहते हैं ये मकान भी किराए का है, इसका महीने का खर्चा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें मदद करिए। ये जगह चलाने के लिए हमें अर्जेंट फंड्स की ज़रूरत है। ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। आपके मदद से मैं और विनया इनको अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे।